कॉलेजियम व्यवस्था की वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में न्याय की संभावना खत्म हो चुकी है, जाति देख के फैसले होते हैं। अभी हम मानते हैं कि इन संस्थाओं में न्याय नहीं होता है और यह बहुत बड़े पैमाने पर जातिवाद व्याप्त है। उदय स्टालिन जो है वो एंटाइटल है या नहीं है, उसके खिलाफ अभी सिर्फ प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, FIRs और जो है ट्रायल्स भी शुरू नहीं हुई है बहुत सारी जगह पे। कॉन्स्टिट्यूशन को वीकन कैसे करने की कोशिश कर रहा है न्यायपालिका, उसका एक बेहतरीन एग्जांपल एक जजमेंट है। आपके पीछे है सुप्रीम कोर्ट और एक OBC जज है, यहाँ कोई भी शेड्यूल ट्राइब का जज नहीं है। जनरल कैटेगरी में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में 15 ब्राह्मण जजेस हैं, कोई भी शेड्यूल कास्ट का जज, कोई चीफ जस्टिस नहीं है इस देश में। देश की राजधानी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 15 मार्च को बहुजन वकीलों का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम है। विस्तार से बताइए सर, क्या है मुद्दा और क्यों सम्मेलन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के और देश भर के हाई कोर्ट के और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के वकीलों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा जो है दिल्ली में 15 मार्च को माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन पर हम कर रहे हैं, और इस तरह के सम्मेलन हम लगातार कर रहे थे, लेकिन ये सम्मेलन हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, बड़ी संख्या में कर रहे हैं, जिसके लिए जो है मद्रास से लेकर तो बंगाल से और गुजरात से, महाराष्ट्र से और ऐसे देश भर के कई राज्यों से वकील आने वाले हैं। और ये सम्मेलन हमने 3 चीज़ों को लेकर किया है कि जो बहुजन समाज के अधिकार संविधान में मिले हुए हैं, वो संविधान में मिले हुए अधिकारों को, संविधान को और ये पूरा सिस्टम जो लोकतंत्र का जो सिस्टम है उसको कैसे ड्यूरेबल बनाया जाए, इस चीज़ को लेकर, और कॉलेजियम व्यवस्था को कैसे ध्वस्त किया जाए ताकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में और देश के हाई कोर्ट्स में बहुजन समाज के जजों की और वकीलों की संख्या बढ़ जाए, ताकि जो है इन लोगों के साथ संविधान में जो न्याय किया गया है वो रियल में न्याय हो। अभी हम मानते हैं कि इन संस्थाओं में न्याय नहीं होता है और यह बहुत बड़े पैमाने पर जातिवाद व्याप्त है, और इस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए बहुजनों के अपने वकीलों के संगठन की बहुत ज़रूरत है, और उस संगठन की दिशा में ही हम लोग ये 15 मार्च को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिन भर का ये प्रोग्राम हमने रखा हुआ। कहाँ, देश भर से वकील आ रहे हैं? कितने लोग, वकीलों की संख्या, जज भी आ रहे हैं? कोई जज नहीं आ रहे, लेकिन इसका इनॉग्रेशन रिटायर्ड जज, नहीं हमने नहीं बुलाया रिटायर्ड जज को, क्योंकि रिटायर्ड जजेस जब आते हैं तो बहुत सारी इश्यूज ये होते हैं। हम लोग वकीलों का ही सम्मेलन रख रहे हैं, इसीलिए इसका इनॉग्रेशन प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार सीनियर एडवोकेट हैं वो करने वाले हैं। वो कर्नाटक हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल थे और EWS में सबसे लंबी बहस करने वाले जो है सीनियर वकील थे प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार, तो वो इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। फिर मद्रास से कुछ वकील आने वाले हैं, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से वकील लोग हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली से हैं, ऐसे बहुत देश भर हजार हजार की संख्या होगी वकीलों, काफ़ी 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 वकीलों की, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। यस, काफ़ी काफ़ी वकील। कॉलेजियम ही मुद्दा है, कॉलेजियम सिस्टम। 3 मुद्दे हैं हम लोगों के। पहला मुद्दा यह है कि इस देश में जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज, इनके संघर्ष की वजह से जो इस देश में संविधान बना हुआ है, उस संविधान को ड्यूरेबल कैसे बनाया जाए इसमें, क्योंकि हमारा पूरा संघर्ष की वजह से, हमारे बहुजन महापुरुषों की संघर्ष की वजह से संविधान बना हुआ है, इसको ड्यूरेबल कैसे बनाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कैसे हेल्प कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इसमें बाधाएँ पैदा कर रहा है, इस सारी चीज़ों का एक विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा एक मुद्दा यह है कि कॉलेजियम व्यवस्था की वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में न्याय की संभावना खत्म हो चुकी है, और न्याय की संभावना खत्म होने की वजह से वहाँ एक न्याय की संभावना कैसे बनाई जाए इसके ऊपर एक बड़ी बात है। जाति देख के फैसले होते हैं। अभी जो मद्रास हाईकोर्ट की एक जज ने कहा था कि 100 साल पहले बना है जातिवाद, बाद में उनको मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस बयान को वापस लेते हैं। उन्होंने बयान को वापस लिया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं लिया है, प्रोसीडिंग से तो हटा दिया गया। उन्होंने कहा है कि 100 की जगह पे रिसेंट लिखा है, इसीलिए जो है उस जजमेंट पर मुझे आपत्ति है। रिसेंट तो मतलब हुआ 100, उन्होंने सेंचुरी कहा था, इन्होंने रिसेंट कर दिया। रिसेंट कैन बी एनीथिंग, मतलब तो अभी अभी के अभी बना है जाता। यस यस, मुझे जो है इसके ऊपर बड़ी वेरी रिसेंट फिनोमिना कहा है,
जो कि मुझे लगता है एक बहुत सीरियस मैटर है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि उनके सामने जो केस था, इससे तो SC ST एक्ट कमज़ोर हो जाएगा, SC ST का रिजर्वेशन कमज़ोर हो जाएगा, जो अनटचेबिलिटी के आधार पर है, जातिवाद की वजह से है। क्योंकि SC ST को रिजर्वेशन तो एजुकेशनल बैकवर्डनेस या सोशल बैकवर्डनेस की वजह से है नहीं, वो तो अनटचेबिलिटी की वजह से है, कास्ट अनटचेबिलिटी वजह से। एब्सोल्युटली। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वीकन कैसे करने की कोशिश कर रहा है न्यायपालिका, उसका एक बेहतरीन एग्जांपल एक जजमेंट है। जैसे इनके सामने एक कोवारंटो पिटीशन था। कोवारंटो पिटीशन क्या होता है कि कोई मेंबर पार्लियामेंट है, कोई मिनिस्टर है, या कोई ऑफिस बीयरर्स है, ऑफिस पब्लिक फंक्शनरी है, वो पब्लिक फंक्शनरी उस जगह पे जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसके लिए एंटाइटल है या नहीं है, उसको ही देखना है। जब उनके सामने ये मैटर आया तो उदय स्टालिन जो है वो एंटाइटल है या नहीं है, उसके खिलाफ अभी सिर्फ प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, FIRs और जो है ट्रायल्स भी शुरू नहीं हुई है बहुत सारी जगह पे, अभी वो कन्विक्ट नहीं है। अब उन लोगों को ये देखना चाहिए था, कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि जो कोवारंटो पिटीशन है वो मेंटेनेबल ही नहीं है। फाइनली तो उन्होंने कहा, लेकिन कोवारंटो के पिटीशन के डिसगाइज में वरना सिस्टम को जस्टिफाई करने का ये जो जजमेंट उन्होंने लिखा है वो बेहद आपत्तिजनक जजमेंट है मद्रास हाईकोर्ट का, और उस जजमेंट को जो है हमने अच्छे से देखना चाहिए ऐसा मुझे। वकील साहब, आपका पूरा सोशल वर्क भी है, अभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जज होंगे, और बैकवर्ड भी अगर मिला दे तो? इस समय सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश भर में के सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक OBC जज है, और सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली ही है, उसमें सिर्फ एक OBC जज आपके पीछे है सुप्रीम कोर्ट, और एक OBC जज है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ कोई भी शेड्यूल ट्राइब का जज नहीं है, और सिर्फ पूरे इतिहास में 1950 से लेकर आज तक सिर्फ एक ST जज शेड्यूल ट्राइब का जज बना हुआ। और शेड्यूल कास्ट के कितने जज हैं? शेड्यूल कास्ट के इस समय 3 जजेस है सुप्रीम कोर्ट में। और किसान कम्युनिटी की बात करें, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर जो ना SC ST OBC में नहीं आते लेकिन वो भी बैकवर्ड हैं, उनकी संख्या उनके भी इस समय सुप्रीम कोर्ट में जजेस नहीं है। उनके भी इस समय सुप्रीम कोर्ट एक पीरियड हुआ करता था कि उनके जजेस हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादातर जनरल कैटेगरी में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में 15 ब्राह्मण जजेस हैं और बहुत सारे जो है वैश्य समुदाय से। जनरल कैटेगरी जो कंस्टिट्यूशनल टर्म्स अगर उसकी बात करें तो जनरल कैटेगरी के जजेस ज्यादा नहीं, इवन इसी जनरल कैटेगरी तो सबकी ही कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी में SC ST OBC भी आते हैं, ठीक है, तो वो सब क्रीमी लेयर OBC तो आता ही है जनरल, ये सबकी ही कैटेगरी है, और उसकी वजह से जो है उस कैटेगरी का जो है हाईकोर्ट का क्या है सर डाइवर्स? आप देखेंगे कि हाईकोर्ट में इस समय कोई भी शेड्यूल कास्ट का जज कोई चीफ जस्टिस नहीं है इस देश में। अच्छा, किसी भी 25 हाईकोर्ट है हमारे देश में, 25 बड़े हाईकोर्ट 18 हैं, और उसके बाद में छोटे छोटे हाईकोर्ट्स है, 12-13 बेंचेस है इस देश में हाईकोर्ट्स के, और उसमें कोई भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट शेड्यूल कास्ट का नहीं है। शेड्यूल ट्राइब का कोई भी चीफ जस्टिस नहीं है। माइनॉरिटी का हो सकता है, मैंने उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है। OBC का चीफ जस्टिस एक दो जगह पे हो सकता है, लेकिन बहुत ओवरऑल कितने OBC जज होंगे हाईकोर्ट में अगर बात करें, क्योंकि हाईकोर्ट में लगभग 400 करीब जजेज होंगे पूरे देश में। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में और हाईकोर्ट में मिलाकर टोटल जो जजेस है वो 1000 के आसपास है। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं और सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ हाईकोर्ट जजेस की 800 के ऊपर है। बेंच सब मिला के, जैसे महाराष्ट्र में 2 मुंबई हाई कोर्ट है, नागपुर उसमें भी 300 के आसपास वैकेंसी होगी, तो जो टोटल जजेस है इस देश में वो 500 के आसपास हाई कोर्ट के जजेस है, और 500 के आसपास के जजेस जो है वो OBC जजेस है उसमें, और लेकिन जो 10 से 12 के आसपास जो है शेड्यूल कास्ट के जजेस। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर बड़ी बैठक रखी गई, बहुत बड़ी बातचीत होने वाली है इस चीज़ को लेकर, बहुत बड़ी बातचीत होने वाली है। एक पर्सनल सवाल भी, आपने अभी सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी रिजर्वेशन को लेकर कि SC ST रिजर्वेशन को फैब्रिकेट किया जाए, बांट दिया जाए, बाइफर्केशन, हाँ, उस पर आपने भी बहस की थी। कहा जा रहा है कि जो वर्तमान में जो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके बारे में कहा जाता है कि सोशल जस्टिस को लेकर उनकी बहुत महीन समझ है, गंभीर समझ है उनके। मैं बराबर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भाषण सुनता हूँ संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, SC ST OBC, उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, डाइवर्सिटी बढ़नी चाहिए। आप क्या कहेंगे उस पूरे कन्वर्सेशन में, क्योंकि वो भी थे उस बेंच में? उस जजमेंट अभी फैसला आने वाला है, लेकिन इसीलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है इस विषय पे, मुझे दो चीज़ों पर बहुत बड़ी आपत्ति है। वो जाकर भाषण करते हैं पूरे देश भर में
और विदेश में भी, और डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो बातचीत करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, लेकिन आके उल्टा करते हैं, आके उसका एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं। अभी जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, बॉम्बे हाईकोर्ट में वो चीफ जस्टिस बनने के बाद जो पहली अपॉइंटमेंट्स हुई है वो सारी की सारी नॉन एससी एसटी ओबीसी की, फर्स्ट कॉलेजियम के पक्षधर हैं वो, कॉलेजियम के पक्षधर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कॉलेजियम इज़ अ लॉ सो ही विल बी बाउंड बाय द लॉ, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर तो, भारत सरकार बदलना चाहती तो बदल दे, तो अब तो कॉलेजियम का गेम भारत सरकार के पाले में। भारत सरकार ने बदलने की कोशिश किया, जैसे मोदी आए तो मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर 2014 में आने, तो 2015 में उन्होंने पहला कानून बनाया, और वो पहला कानून जो था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया और कॉलेजियम व्यवस्था को बदलने की कोशिश किया विथ सम काइंड ऑफ डिग्री ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू अदर पीपल, लाइक एस सी एस टी ओ बी सी का कोई एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ नियुक्ति कमेटी में होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करने की वजह से क्या हुआ कि अभी अपॉइंटमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, और अपॉइंटमेंट की प्रोसेस में जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या कोई भी अन्य प्राइम मिनिस्टर वो देश के प्राइम मिनिस्टर है, पहले वो देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो देश के प्राइम मिनिस्टर है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट को छोड़कर वो देश के प्राइम मिनिस्टर है। तो चलिए, कॉलेजियम सिस्टम एक लीगल बाउंड है, प्रावधान है। अभी एक इससे पहले कानून मंत्री थे ट्राइबल समाज से थे, अभी जो कानून मंत्री हैं वो शेड्यूल कास्ट समाज से हैं, वहाँ से, मतलब आप कानून मंत्री बन सकते हैं, आप कानून मंत्री बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी तो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट में दिक्कत है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में जनता के इलेक्टेड जो लोग हैं उनके आधार, उनके कहने पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस नहीं बना सकते। जैसे पार्लियामेंट में हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये मिलकर यदि किसी जज को बनाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो वो नहीं बना सकते। वकीलों की क्या स्थिति है अगर ओवरऑल एस सी एस टी ओ बी सी बहुत संख्या, इसी की वजह से वकीलों की संख्या नहीं बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो मोस्ट मेरिटोरियस होते हैं वो लोग, उनकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि इस व्यवस्था में जब इतना डिस्क्रिमिनेशन है तो कौन अपने फैमिली के व्यक्ति को इस व्यवस्था में भेजना चाहिए। वकीलों की संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है नो डाउट, लेकिन वो बहुत अभी जस्ट बिगिनर्स है प्रोफेशन में, वो लोग बिगिनर्स है, और हो सकता है कि आने वाले 10-15 ईयर्स में काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है, लेकिन दे आर जस्ट नाउ अ बिगिनर्स इन द प्रोफेशन। इन्हीं तमाम मुद्दों पर अगर आप विस्तार से और बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में 15 मार्च को देश भर के एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक और किसान कम्युनिटी के वकीलों की बड़ी बैठक हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो पावर सेंटर्स है, मीडिया एक ऐसा अभेद किला है जहाँ आज भी डाइवर्सिटी नहीं है, एक भी मीडिया मालिक या मीडिया का संपादक कोई भी किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज से नहीं है। दूसरा नंबर पर जुडिशियरी आता है जहां अब डाइवर्सिटी बहुत कम पहुंची है। तो पावर सेंटर जो है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सिनेमा, स्पोर्ट्स, ये वो जगह हैं जहां अब जातिवाद अपनी जड़ें जमा चुका है, और गाँव का जातिवाद और जो पावर सेंटर्स का जातिवाद है उसको समझने के लिए आपको PhD करना पड़ेगा या ऐसे वकीलों के संगत में आना पड़ेगा। तो आप उसको समझना चाहते हैं तो दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में 15 मार्च को जरूर शामिल हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।